Good morning and greetings to my brothers and sisters and uh, believers uh, who are listening to this meditation. This is a new day, and before we set out to face this day and its uh, needs and problems and blessings, let us separate a few minutes to be silent in the presence of God. ये एक नया दिन है और नए चुनौतियाँ और नए चीज़ें जो हमारे सामने आएंगे अच्छे और बुरे और लेकिन इन सबसे पहले आइए हम कुछ क्षण परमेश्वर के सामने खामोशी में बिताएं। एंड वी आर मेडिटेटिंग ऑन द दिट्यूड ऑफ जीसस क्राइस्ट गिवन इन मैथ्यूज गॉस्पल चैप्टर फाइव वर्सेस वन टू ट्व और हम इन दिनों में मनन कर रहे हैं उस पहाड़ी उपदेश के ऊपर जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया जो कि हम पाते हैं मती रचित सुसमाचार उसके पांचवा अध्याय के एक पद से बारह पद तक एंड दिस इज पार्ट फोर ऑफ द सीरीज और ये उस सीरीज का चौथा भाग है से हम दूसरा उपदेश के ऊपर मनन कर रहे हैं ब्लेसेड आर वीप

और हम इस बात को देख रहे थे जब कोई मनुष्य पुरुष या स्त्री अपने पाप के प्रति वो वो शोकित हो जाता है एंड दिस ब्रिंग ब्रिंग्स रियलाइजेशन ऑफ हिज ओन अनवर्थिनेस और इस बात से वो एहसास करता है कि वो कितना अयोग्य है एंड लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम हियर और इससे आगे हम बढ़ेंगे

आर एफ्लिक्टेड दैट आर एफ्लिक्टेड और वे लोग इस बात से उनके अंदर दर्द है एंडेडेड गॉड और चोटे थो जाते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को दुख पहुंचाया है सच शैल फाइंड कम्फर्ट इन दॉपेट ऐसे लोग शांति पाएंगे थ्रू द मर्सी ऑफ गॉड परमेश्वर का करुणा से दे में फॉर गिवन वे क्षमा पाएंगे इन क्राइस्ट द दियर एंडी लेडन सोल शैल फाइंड पीस एंड रेस्ट मसी में ऐसे लोग जो बोझ से दबे हुए हैं और जो परेशानी से डूबे हुए हैं वो तसल्ली पाएंगे एंड द प्रेजेंस ऑफ द कंफर्टर और तसल्ली देने वाले का जो उपस्थिति है विल सस्टेन अस हियर एंड इन हेवन वो हमें बना के रखेगा इस पृथ्वी पर और स्वर के ऊपर ऑल टीयर्स शेल बी वाइप्ड अवे सारे आसो पोच दिए जाएंगे आई एम नॉट टू प्राउड टू हाइड माई ट्रू फीलिंग्स ऑफ सोरो और मैं इतना घमंडी नहीं होता कि मैं अपने वो सच्चे भावनाओं को दिखाऊं या दुख को दिखाऊं एंड एंड अफ्लिक्शन फ्रॉम अदर्स और दूसरों से जब चोट पाता हूं, आई एम ऑल्सो एबल टू मॉन विथ अदर्स मैं दूसरों के साथ साथ शोक मनाता हूं। and in their affliction on over their sin as well or उनके चोट के ऊपर और उनके पाप के ऊपर भी to mourn is to recognize and feel sorrow over our own weaknesses और शोक मनाने का अर्थ यही है कि हम अपने खुद के पाप और कमजोरी के ऊपर हम दुख मनाते हैं and weaknesses इन रिलेशन टू गॉड्स परफेक्ट स्टैंडर्ड और कमजोरी उस समय जब पड़ जाती है जब परमेश्वर का स्तर हमें बना के रखना है इट ऑल्सो मीन इसका अर्थ ये भी है ग्रीविंग ओवर द थिंग्स दैट ग्रीव गॉड कि उन बातों के ऊपर दुख मनाना या शोकित होना जिन बातों से परमेश्वर शोकित होते हैं सच एज अनफेथफुलनेस जैसे कि अविश्वास योग्यता इमोरिटी अनैतिकता एंड क्रूअल्टी और क्रूरता एंड दीज आर राम्पेंट इन द वर्ल्ड एंड इन अवर सोसाइटी टूडे और ये सब आज हम अपने समाज में अपने संसार में चारों तरफ देखते हैं एंड दोज हु मोर्न ओवर सिन

इन द होली गोस्ट परमेश्वर का धार्मिकता हमें शांति और आनंद देगा पवित्र आत्मा के द्वारा और यही बात हम रोमो के पुस्तक उसके चौदह और सत्रह पद में देखते हैं आई लेट मी रीड इट फॉर यू इसको मैं आपके लिए पढ़ दू रोम फोर्टीन सेवनटीन और रोमियो उसका चौदह अध्याय सत्रह पद वी आर टोल्ड हियर फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट अ मैटर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट ऑफ राइटसनेस पीस एंड जॉय इन द होली स्पिरिट यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है And this is the reason why we need to be sorrowful not only for our our own sin and evil but also in the sin of others. Or ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने पापियों को या अपने गलती के प्रति हम शोकित होते हैं लेकिन दूसरे के पाप और गलती के ऊपर भी। is, और इसके पीछे मुख्य कारण यही है sin we commit, जो कोई भी पाप हम करते हैं वी आर नॉट कमिटिंग इट अगेंस्ट पर्सन हु इज रॉन्ग हम उनके प्रति पाप नहीं करते हैं जिस जिस व्यक्ति के प्रति हमने पाप किया है फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सी अगेंस्ट गॉड लेकिन सबसे पहले हम परमेश्वर के प्रति पाप इट इज गॉड हु क्योंकि ये परमेश्वर ही है जो हमारे सामने उन नियमों को और व्यवस्थाओं को रखते हैं जिसके अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है यू शाली तुम व्यवचार नहीं करोगे, करोगे. पड़ोसी के पत्नी कामेंट दैट फॉर द्यूमैनिटी ये सब व्यवस्थाएं हैं जो मानव जाति को दिया These गया are है. The things that must govern our relationship. और ये वो बातें हैं जो हमारे रिश्तों के ऊपर नियंत्रण रखना है so so उदाहरण के लिए जब हम व्यविचार करते हैं we are not really sinning against somebody, हम न सिर्फ किसी व्यक्ति के प्रति हम पाप करते हैं

कि हम फूट फूट कर रोए सिर्फ अपने ही पाप और अविश्वास योग्यता के लिए नहीं sin of लेकिन दूसरों के पाप के लिए भी बिकॉज दे आर हर्टिंग पीपल क्योंकि वे लोगों को चोटित कर रहे हैं और जब कभी भी ऐसे होता है, ये का है जो टूट जाता है दिस इज समल सन रियलाइज्ड और ये वो बात है जो उड़ाव पुत्र ने एहसास किया सो वेन ही उसका अंगीकार क्या था फादर पिता आई एम नॉट वर्धी मैं अयोग्य हूं बिकॉज आई हैव सिन्गेंस्ट हेवन क्योंकि मैंने स्वर के प्रति पाप किया है और आपके प्रति सो फर्स्ट इट वॉज अगेंस्ट ये हम सबको समझना है सो डोंट टेक एनी रॉन्ग थिंग नो मैटर हाउ लाइट दे मे बी यू डिड अगेंस्ट समबड़ी डोंट टेक इट लाइटली बिकॉज दैट इज समथिंग दैट गॉड टू बी प्रोकन सो कोई भी छोटे से छोटा गलती किसी के प्रति हम करें इसको हल्के रूप से ना ले क्योंकि ये सबसे पहले हम परमेश्वर को चोट पहुंचाते हैं दैट्स वाई जीज और इसलिए ये ने कहा और हैप्पी आर दोन हूप फॉर द सिन अबाउट वन सेल्फ धन्य है वे जो शोकित होते हैं पाप के प्रति और दूसरों के गलतियों के प्रति और इसको हम अगली बार जारी रखेंगे को। लेकिन इसके बीच में योर लाइफ मस्ट बी ऑलमाइटी हिमसेल्फ आपका जीवन परमेश्वर के व्यवस्थाओं और नियमों के अनुसार होना चाहिए सो द लॉर्ड ब्लेस यू टूडे सो परमेश्वर आज आपको आशीष दे टुडे इज अ डे यू कैन डिस्प्ले योर ऑनर एंड योर ओबीडियंस टू गॉड्स लॉ आज एक ऐसा दिन है जो आप अपने विश्वास योग्यता को परमेश्वर के प्रति आदर को दिखा सकते हैं and have a great day to और एक अच्छा din din aapka beetne paaye and do things that will bring glory and honor to god एंड दैट विल प्लीज और उन कामों को करें जो परमेश्वर को आदर देंगे और परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे अवर लॉर्ड एंड अवर गॉड हमारे प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए थैंक यू फॉर ओपनिंग आवर आईज टू अंडरस्टैंड धन्यवाद कि आपने हमारे आंखों को खोला है कि हम समझ समझने पाए कि हर एक गलत काम हर एक पाप जो है वो परमेश्वर के प्रति सबसे पहले एक

दिन को बिताने पाए यीशु मसीह के नाम से आमीन गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आप सबो को दे और एक अच्छा दिन बिताएं। आमीन आमीन